मध्य प्रदेश के देवास में मतदान के बीच कई जगह विवाद की खबरें आ रही हैं। शहर के भैरवगढ़ शांतिपुर में शुक्रवार को विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी कोतवाली थाने पहुंचे और मारपीट करने वालों के नाम बताते हुए कहा कि अगर आपने तत्काल इन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो मैं चुनाव छोड़कर थाने के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा। वायलेंस उत्पन्न कर रहे, लड़े झगड़ा कर रहे और एक सबसे बड़ी बात ढेरूगढ़ में भी वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही, तब जाकर वह थाने से रवाना हुए। मामले में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी ने कहा कि कई बूथों पर मतदाताओं के साथ भेदभाव हो रहा है, भाजपा कार्यकर्ता गड़बड़ी कर रहे, मतदाताओं में भय का माहौल है। भैरवगढ़ और शांतिपुरा में पोलिंग बूथ पर मारपीट हुई। सिल्वर कॉलोनी निवासी सलमान ने बताया कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ, 265 नंबर बूथ पर जा रहा था, तभी 25 से 30 लोगों ने घेरा और उसमें से कुछ लोगों ने मारपीट की। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है। इधर आवास नगर में कुमार गंधर्व कम्युनिटी हॉल में वोटर अंकित पटेल वोट डालने पहुंचा, जहां वार्ड 3 के पार्षद प्रतिनिधि राज वर्मा मौजूद थे। इधर भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजे पवार के पुत्र विक्रम पवार काफिले के साथ पहुंचे। राज वर्मा ने कहा कि अंकित ने श्री गणेश कहा, जिस बात को लेकर उसके साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि पार्षद प्रतिनिधि राज वर्मा के खिलाफ बीएनपी थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। कॉम्प्लेक्स में वोट डालने आया था तो मैंने क्या है कि थोड़ा सा अंदर जाके श्री गणेश करा, तो श्री गणेश में राज वर्मा ने कुछ सुना होगा या तुकोजीराव पवार जी के चमचे उन्होंने कोई ने सुना होगा, तो उनको श्री गणेश का इतना बुरा लगा कि राज वर्मा ने मेरे को बाहर से बुलाया। फिर उसके बाद तुकोजीराव पवार के चमचे उन्होंने मेरे को बाहर जाके मारा और मैं यहाँ पर बीएनपी थाने में रिपोर्ट लिखाने आया हूँ कि एफआईआर मैंने करवा दी है, उसकी अभी तक कॉपी नहीं आई है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुने। बस बहुत सुने। मतदान अभी करता हूँ मैं। हाँ, मैं एजेंट हूँ वहाँ पे। हाँ, मैं एजेंट हूँ वहाँ पे। मैं जब मैं वहाँ जा रहा था, कौन से बूथ पर जा रहे थे आप? 265 नंबर का बूथ था। मैं जब वहाँ जा रहा था तो शराब माफिया गुंडे चिंटू चौधरी, किशोर चौधरी, धर्मेंद्र सिंह बेस और उनके साथी अर्जुन चौधरी, इन लोगों ने कम से कम 25-30 लोगों ने मुझे घेरा और मुझे 4 से 5-7 लोगों ने इतनी बहरहमी से मारा कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं उनको अपनी जान बचाने के लिए भागा। मुझे मेरे क्या चाहते हैं आप लोग? अभी आपने यहाँ क्या शिकायत की कोतवाली पर? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान बेग। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिल्वर कॉलोनी का रूसी पोलिंग बूथ पे मेरा मतदान है। अभी आपने सुरक्षा की मांग भी करेगी, आपको सुरक्षा मुझे मतलब इस तरीके से अगर मैं निकलूंगा तो मेरे को इस तरीके से गुंडे अगर घेरेंगे तो मुझे सुरक्षा की जरूरत है, पुलिस की सुरक्षा चाहिए मुझे। मैं इस तरीके से कैसे काम कर पाऊंगा? मुझे मेरी पार्टी ने पदाधिकारी बनाया, मैं काम कर रहा हूँ, पोलिंग एजेंट हूँ मैं, और मेरे साथ में इस प्रकार की अभद्रता और इस प्रकार की गुंडागर्दी होगी तो कैसे करेंगे? जैसा मैं पहले से कहता आया था, हाँ, पिछले 1-2 साल से मैंने एक मुहिम चालू करी थी देवास शहर में, देवास की जनता को जगाने। आज जनता जाग गई और लोकतंत्र के माध्यम से इन जुमारी सटोरियों की सीट खसकने लगी। आज पूरा देवास का चुनाव गुंडों के सुप्रत सामने वाले प्रत्याशी ने कर दिया कि ये चुनाव मुझे कैसे भी जिताओ। अब गुंडे आज गुंडत्व में उतारू हो गए, 2-3 जगह ट्रेस हुए और इनके प्लान है कि 3 बजे बाद ये सब जगह धांधली करके मतदान करेंगे, फर्जी मतदान करेंगे। मैं आज यहाँ पर मैं कैमरों के माध्यम से मेरी देवास की मासूम जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ कि अब ये 3-4 घंटे बचे हैं, आपने इनके व्यवहार को देख लिया, इनके वातावरण को देख लिया। एक वीडियो एक गुंडे का रात को मैंने डाला था, किस प्रकार से एक बुजुर्ग आदमी को मारपीट करके मोटरसाइकिल पर बिठा के ले जा रहा था। उसका दूसरा वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके बीच में डालने वाला हूँ, उसमें वो अच्छे कपड़े मांगने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहा वो उसके सामने। आज ये जो पोलिंग कैप्चर करने के चक्कर में इन्होंने एक हमारे बूथ के कार्यकर्ता को, बूथ पोलिंग पर बैठने वाले एजेंट को इन्होंने मारपीट करके वहाँ से भगाया। देवास में निरपेक्ष चुनाव ना हो, डर का माहौल बने, लोग वोट नहीं देने जाए, ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है और बाद में ये लोग अपनी ताकत के हिसाब से जाली मतदान कर सके। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे प्रेस के सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, ये जनता के बीच में अभी के अभी ये बातें जाए कि जनता निकले और 90% मतदान करके आज ये आज जो निर्णय लिया है परिवर्तन का, वो परिवर्तन करके दे और ये सुनामी को सफल करे। भैया कहाँ का पोलिंग बूथ?